हरिओम नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री। संपूर्ण 12 राशियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर और शुभ है। संपूर्ण कुटुंब में सुख सौख्य तथा मंगल कृत्य होने के परम शुभ अवसर हैं। आज का दिन क्रय विक्रय के लिए अति उत्तम है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए आज का दिन शुभ अवसर लेके आएगा तथा सामाजिक कार्यों में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश की प्राप्ति होगी तथा भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को यदि जल अक्षत अर्पित करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी होगा। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य है तथा व्यापार और नाना प्रकार के क्लेष्टों से युक्त रहेगा तथा उन्नति की संभावना बनी रहेगी। उत्तम दाम्पत्य जीवन में आपको लाभ होने का अवसर होगा तथा नए संतान पक्ष से भी शुभ समाचार सुनाई देगा। भूमि भवन परिवहन इत्यादि से भी आपको नई कीर्ति यश का लाभ की संभावना बनी है। यदि विवाह में व्यवधान उपस्थित हो रहा है तो आप भगवती गौरी का पूजन करें। भगवती गौरी को मंगल कृत्य शुभ वस्त्र द्रव्य तथा सिंदूर आदि अर्पण करें जिससे आपका विवाह से संबंधित दोष नष्ट हो सकते हैं और आपका अतिशीघ्र विवाह होगा तथा गौरी जी का पूजन आपके लिए यश कीर्ति की वृद्धि करने का कारण बनेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य फलदायी है तथा बहुत ही प्रसन्नता का दिन होगा। आपके लिए मित्रों से मतभेद की स्थिति बन सकती है तथा कृषि कार्य अन्य भूमि कार्य में आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के सुंदर योग हैं तथा रोग से मुक्ति का बहुत ही सुंदर उपाय करें। आप तिल जौ लेकर भगवान शिव को अभिषेक करें तथा संभव हो तो गाय का दूध भगवान शिव को समर्पित करें जिससे आपके संपूर्ण दोष नष्ट होंगे और शुभ ही शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शनि से प्रभाव युक्त है तथा आप अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए आज आप भगवान गणेश की प्रार्थना करें। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करने से आपके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएंगे, अतिशीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही आनंददायक है तथा भूमि वाहन इत्यादि भवन तथा शुभ शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके सहयोगी जन आपके पास आज उपस्थित होंगे और सहयोग देने के लिए तत्पर होंगे। आप उनका सहयोग लें और आगे बढ़ें तथा भगवती मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी के पूजन करने से आपके बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होंगे तथा यदि माता पिता या बुजुर्ग आपके पास हैं तो उनको प्रणाम और नमस्कार अवश्य करें। उनको प्रसन्न रखें, उनकी प्रसन्नता ही आपकी वृद्धि का कारण बनेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभदायी रहेगा। आरोग्य भौतिक सुख वाहन नौकरी संपूर्ण चीज़ों में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा तथा नए नए शस्त्रों का निर्माण करने का तथा नए शस्त्र खरीदने का भी आपको शुभ अवसर प्राप्त होगा तथा जो पूर्व में धन कहीं पर भी रुका हुआ है वह भी प्राप्त होने का सुंदर योग है। आपका शुभ कार्य में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, अत्यंत लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।
आप भगवान शनि की उपासना करें, जो आपके विघ्न हैं वो अति शीघ्र नष्ट होंगे। भगवान शनि पर तिल और सरसों का तेल अर्पित करके उनको प्रणाम करें और उनका जप करें, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। तुला राशि वालों के लिए आज मानसिक एवं रक्तचाप से युक्त रहेगा तथा शरीर में कष्ट, भूमि वाहन में विवाद की स्थिति बनेगी तथा विद्यार्थी जीवन में आपको मित्रों से कष्ट की संभावना बनी रहेगी तथा आप धन के प्रति सदैव सचेत रहें और अनावश्यक धन का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो आपको कष्ट और पछताना दोनों पड़ सकता है। आप भगवान गणपति के साथ साथ स्वामी कार्तिक भगवान का पूजन करें, जिससे आपके संपूर्ण कष्ट नष्ट हो सकते हैं और प्रसन्नता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि से युक्त होने के कारण आप सूर्य से युक्त हैं, इसीलिए सदैव आप संदेहात्मक स्थिति बनी रहेगी। क्या करें क्या न करें, यह आपके सामने बार बार प्रश्न उपस्थित होगा। आप अपनी माने और अपने माता पिता की बात मानकर जो कार्य करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी तथा आप भगवान नंदी का पूजन करें, नंदी धर्म का प्रतीक हैं, आप धर्म के अनुसार पूजन करेंगे तो आपको अति शीघ्र शुभ समाचार के साथ साथ स्वास्थ्य और यश की वृद्धि प्राप्त होगी। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही मंगलकारी है, संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, मित्र बंधु आदि भी आपको सहयोग प्रदान करेंगे तथा आपके कुटुंब में नाना प्रकार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आप रोजगार व्यापार में उतार चढ़ाव के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप शेयर बाजार से में काम करते हैं तब भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने के अवसर हैं। आप भगवान गणपति के साथ साथ भगवान इंद्र का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें, जिससे धन की शीघ्रता से आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ और मिश्रित फलदायी है तथा आप अपने आप के ऊपर संदेह ना करें, क्योंकि आप बहुत ही शक्ति और बुद्धि से युक्त हैं, लेकिन संदेह के कारण आप अपने आप में ही निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण आप उचित फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप व्यापार, नौकरी, कृषि कोई भी कार्य करते हैं उसमें अगर तल्लीनता के साथ कर रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ लाभ प्रदान करेगा। आप भगवान शिव के साथ साथ भगवती छिन्नमस्ता का पूजन करें, छिन्नमस्ता के पूजन से आपके संपूर्ण लाभ ही लाभ होंगे और दोष नष्ट होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शनि से युक्त है, क्योंकि आप साढ़े साती के प्रभाव से युक्त चल रहे हैं तथा आप मानसिक और रोग से उलझन में उलझे हुए हैं। आप सरकारी कार्य कर रहे हैं तब आपके जो भी ऊपर के लोग हैं आपको अनावश्यक सता रहे हैं तथा जो नीचे के लोग हैं उन पर आप अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण आप मानसिक और शारीरिक पीड़ा से युक्त हैं। आपके कुटुंब में नाना प्रकार के क्लेश युक्त हैं, इसलिए आप भगवान विघ्नहर्ता गणपति का पूजन करें, पूजन करने के पश्चात आप भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितना भी संभव हो इस मंत्र का जप करें, पाठ करें, जप करने के पश्चात भगवान विष्णु को सुंदर केला अर्पित करें। केला चढ़ाने से संपूर्ण दोषों का नष्ट होना अति आवश्यक है, क्योंकि नष्ट होते ही आपकी सुख समृद्धि में अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत फलदायी है और बहुत ही मंगलकारी है। आपका जो भी कार्य है, व्यवसाय, नौकरी, गृहस्थी,
जिस भी कार्य में है, विद्यार्थी जीवन में है, आपके लिए बहुत ही मंगलकारी दिन है। आप बहुत ही प्रसन्न रहेंगे तथा आपका जो भी कार्य है उसमें अति शीघ्र आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके परिवार, आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही नाना प्रकार के सुख प्राप्त हैं। आप यदि संभव हो तो सुंदर पवित्र गाय को चारा या भूसा या जो भी उपलब्ध है, हरी घास इत्यादि अर्पित करें। गाय का पूजन करने से आपके संपूर्ण दोषों का नष्ट होना तथा सुख समृद्धि को पाना बहुत ही सुंदर और शुभ अवसर प्रदान करेगा। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत।